हे व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं लाल सिंह चड्ढा वर्सेस रक्षाबंधन फिल्म के बारे में। एडवांस बुकिंग की रिपोर्ट आ चुकी है, रिव्यूज़ भी आ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रक्षाबंधन और लाल सिंह चड्ढा में कौन आगे निकलने वाली है। तो ऑब्वियसली बात है, लाल सिंह चड्ढा की एडवांस बुकिंग ज़्यादा है, इसकी 65 लाख टिकट बिक चुकी है अभी तक। वहीं रक्षाबंधन की लगभग 45 लाख टिकट बिकी हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, लाल सिंह चड्ढा एक ऐसी फिल्म है, एक आर्टिस्टिक टाइप की फिल्म है, जैसे कि हमारे सलमान खान की ट्यूबलाइट फिल्म आई थी, या फिर आप बोल सकते हैं तारे ज़मीं पे फिल्म आई थी, डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म है। वहीं रक्षाबंधन एक कमर्शियल फिल्म है जिसमें कॉमेडी है, भाई बहन के रिश्ते की कहानी है। बॉलीवुड में बहुत कम फिल्में बनती हैं जो कि भाई बहन की बॉन्डिंग को दिखाती है। तो रक्षाबंधन भी आ रही है, कॉमेडी फिल्म है, आनंद एल राय की डायरेक्शन में बनी है। आनंद एल राय की इससे पहले अतरंगी रे आई थी, इससे पहले तनु वेड्स मनु रिटर्न्स, बहुत सारी फिल्में बना चुके हैं। तो कमर्शियल फिल्में बनाते हैं जिसमें बहुत अच्छे सॉन्ग्स होते हैं, कॉमेडी होती है और एक हैप्पी एंडिंग होती है। वहीं लाल सिंह चड्ढा आमिर खान की फिल्म है, फॉरेस्ट गम की रीमेक है। हॉलीवुड की एक फिल्म आई थी 90s में जिसको बहुत सारे ऑस्कर मिले थे, टॉम हंक एक्टर थे। वो फिल्म मैंने नेटफ्लिक्स पे देखने की कोशिश की थी, मुश्किल से 20 से 25 मिनट में देख पाया, उसके बाद मैं सो गया क्योंकि वो थोड़ा सा ओल्ड है ना, 90s की फिल्म है। अब उसको इंडियन एडेप्टेशन के स्टाइल से बनाया है आमिर खान ने, तो शायद कुछ अलग हटके होगा। वैसे मुझे फॉरेस्ट गम उतनी खास नहीं लगी थी क्योंकि बहुत स्लो थी वो, और अगर आमिर खान सर सेम टू सेम कॉपी पेस्ट कर रहे हैं तो शायद ये भी स्लो होगी, लोगों को कनेक्ट ना कर पाए, 90s का ओल्ड कॉन्सेप्ट है। मैंने फॉरेस्ट गम पूरी देखी नहीं है तो मैं ये कहना गलत होगा कि फॉरेस्ट गम मुझे अच्छी नहीं लगी या फॉरेस्ट गम अच्छी नहीं थी, मैंने पूरी फिल्म देखी नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाल सिंह चड्ढा जो फिल्म है वो मल्टीप्लेक्स पे ज़्यादा चल रही है, मल्टीप्लेक्स पे इसको ज़्यादा स्क्रीन मिलने वाली है। वहीं रक्षाबंधन फिल्म है, इसको मल्टीप्लेक्स पे भी अच्छी स्क्रीन मिलेगी, साथ ही साथ मिलेगी इसको छोटे सिनेमा घरों में इसको ज़्यादा स्क्रीन मिलेगी। रीज़न क्या है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाल सिंह चड्ढा से ज़्यादा शो भी रक्षाबंधन को मिलने वाले हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का जो मूवी का टाइम है ना वो बहुत बड़ा नहीं है, 1 घंटे 50 मिनट की है। वहीं लाल सिंह चड्ढा 2 घंटे 40 मिनट की, लगभग 3 घंटे की आप मान सकते हैं। तो लाल सिंह चड्ढा एक बड़ी फिल्म है तो ऑब्वियसली बात है कि शोज़ थोड़े से कम मिलेंगे, वहीं रक्षाबंधन छोटी फिल्म है तो इसको शोज ज़्यादा मिलेंगे। आपको बताना चाहता हूँ कि अक्षय कुमार को छोटे सिनेमा हॉल्स के लोग ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं, उनकी फिल्में से छोटे सिनेमा हॉल्स में ज़्यादा लगने वाली है, क्योंकि जब पेंडेमिक आया था तो उस टाइम पे हमारे अक्षय कुमार ने अपनी फिल्म लगाई थी बैल बॉटम। कोई भी बॉलीवुड का एक्टर सिनेमा हॉल्स को सपोर्ट नहीं कर रहा था उस टाइम पे, अक्षय कुमार खड़े हुए थे और उन्होंने अपनी बैल बॉटम लगाई थी। मुंबई में नहीं लगी थी, गुजरात वगैरह में लगी थी। उस टाइम पे बहुत सपोर्ट मिला था अक्षय कुमार का छोटे सिनेमा घरों को, उसकी वजह से फिर अक्षय कुमार को अब छोटे सिनेमा हॉल्स वाले सपोर्ट कर रहे हैं। आपको बताना चाहता हूँ जब सूर्यवंशी फिल्म आई थी उस टाइम पे भी सिनेमा हॉल्स की बहुत बुरी हालत थी। सूर्यवंशी ने बॉक्स ऑफिस पे लगभग आप बोल सकते हैं 300 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। उस टाइम पे भी सिनेमा हॉल को सांस मिली थी, तो उसकी वजह सूर्यवंशी थे, अक्षय कुमार थे। तो अब आमिर खान की फिल्म आ रही है तो आमिर खान की फिल्म बड़ी है इसलिए उसको छोटे सिनेमा हॉल में नहीं लगाया जा रहा है, क्योंकि टाइम पीरियड ज़्यादा है, 2 घंटे 40 मिनट। ऊपर से आर्टिस्टिक फिल्म है, आपने ट्रेलर देखा होगा ना, बहुत ज़्यादा हंसी आ रही है ना बहुत ज़्यादा कुछ उदासी हो रही है। ट्रेलर को भी उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, लेकिन आमिर खान बहुत अच्छे एक्टर हैं, उनने बहुत बड़ी बड़ी फिल्में करी हैं। हालांकि उनकी 2016 से कोई फिल्म ज़्यादा चली नहीं है, लेकिन आमिर खान अच्छे एक्टर हैं। मुझे लगता है कि लाल सिंह चड्ढा भी बहुत अच्छी फिल्म बनी होगी और जो रिव्यूज़ आ रहे हैं बहुत अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं। वहीं रक्षाबंधन की बात की जाए तो रक्षाबंधन एक कमर्शियल फिल्म है, कॉमेडी है, ट्रेलर से ही पता चल रहा है कि सारी ऑडियंस से ये फिल्म कनेक्ट कर जाएगी। तो मेरे ख्याल से, पर्सनल ओपिनियन में बता रहा हूँ, लाल सिंह चड्ढा अगर अच्छी निकली तो बॉक्स ऑफिस पे बहुत अच्छी कमाई करेगी, रक्षाबंधन अगर अच्छी निकली तो ये भी बहुत अच्छी कमाई करेगी। लेकिन अगर लाल सिंह चड्ढा फिल्म अच्छी नहीं निकली तो स्टार्टिंग के 3 दिन तो ये अच्छा कलेक्शन करेगी, ये फिल्म थर्सडे को रिलीज़ हो रही है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे 4 दिन मान लीजिए, उसके बाद इसके कलेक्शन में गिरावट आएगी, क्योंकि आजकल सिनेमा हॉल चेंज हो चुके हैं। अगर फिल्म को अच्छे रिव्यूज़ नहीं मिलते तो फिल्म का कलेक्शन बिल्कुल ख़त्म हो जाता है सोमवार से। वहीं रक्षाबंधन को अगर पॉजिटिव रिव्यूज़ नहीं मिलते हैं
इसके साथ भी यही होगा। चूंकि रक्षाबंधन एक कमर्शियल फिल्म है तो मेरे ख्याल से इस मूवी के शायद फर्स्ट 3 दिन में ज़्यादा कलेक्शन ना हो, लेकिन धीरे धीरे करके ये ज़्यादा कलेक्शन कर सकती है लाल सिंह चड्ढा से। वैसे मैं आपको बता दूँ, दोनों ही मूवी अगर 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाती हैं तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत टाइम से बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप हो रही हैं, लगातार फ्लॉप हो रही हैं। आमिर खान से तो वैसे ही छिड़े हुए हैं लोग, क्योंकि आमिर खान इंटरव्यूज़ में कुछ बोलते हैं, फिर फिल्मों में कुछ और दिखते हैं, और जब उनका फिल्म नहीं आ रही होती है तो वो कुछ और स्टेटमेंट देते हैं, तो पॉलिटिकली अलग रहते हैं, फिर ऐसे व्यक्तिगत तौर पे कुछ अलग होते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। सेम अक्षय कुमार का भी है, जब उनकी फिल्म आती है तो वो कुछ और बोलते हैं, वैसे वो कुछ और बोलते हैं, उनके स्टेटमेंट बहुत वायरल हो रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि किसी भी एक्टर को अपना रोल मॉडल मत बनाइए, ऐसे मत बनाइए कि उनके पीछे पागल हो जाओ, आइडल मत बनाइए। अच्छी लगे फिल्म तो देखने जाइए, नहीं लगे तो बिल्कुल मत देखने जाइए। गाइज, ये था मेरा वीडियो लाल सिंह चड्ढा वर्सेस रक्षाबंधन के बारे में। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि रक्षाबंधन फिल्म लाल सिंह चड्ढा को पीछे कर जाएगी अगर लाल सिंह चड्ढा को नेगेटिव रिव्यूज़ मिलते हैं तो। ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल से बने रहिए। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।